डियर स्टूडेंट्स दिस इज प्रवीण कुमार अग्रवाल फ्रॉम मैनेजमेंट डिपार्टमेंट वेलकम्स यू इन माई टुडेज लेक्चर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन इससे पहले लेक्चर में हमने कॉस्ट कंट्रोल के टॉपिक को कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक को दैट इज द कॉस्ट रिडक्शन कॉस्ट कंट्रोल के साथ में ये एक और स्टेप होता है जिसे हम कॉस्ट रिडक्शन का नाम देते हैं जिसके बेसिस पर कोई भी फॉर्म या एंटरप्राइज अपनी कॉस्ट को प्रॉपरली रिड्यूस करने का काम करती है क्या मतलब होता है कॉस्ट रिडक्शन का इसके लिए आई लंदन यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ने एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड की है क्या है ये डेफिनेशन कॉस्ट रिडक्शन इज डिफाइंड एज द अचीवमेंट ऑफ रियल एंड परमानेंट रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ़ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड विदाउट इंपेयरिंग देयर सिटूबिलिटी फॉर द यूज इंटेंडेड यानी कि जिस पर्टिकुलर पर्पज के लिए आप गुड्स और सर्विसेज़ को यूज कर रहे हो उसकी उस सिटबिलिटी को बिना अफेक्ट किए हुए जब आप अपनी कॉस्ट में रियल और परमानेंट अचीवमेंट या रिडक्शन को अचीव कर लेते हो यानी कि आप अपनी गुड्स की यूनिट कॉस्ट में या जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें परमानेंट और रियल कॉस्ट के रिडक्शन को अचीव कर लेते हो तो हम उसको कॉस्ट रिडक्शन का नाम देते हैं क्लियर क्या होना चाहिए वो दैट मस्ट बी रियल एंड परमानेंट रिडक्शन तब वो कॉस्ट रिडक्शन कहलाएगा लगेगा टेम्प्ररी नहीं होना चाहिए इसका मतलब जो कॉस्ट रिडक्शन है वो किसी भी पर्टिकुलर मैनेजमेंट की हेल्पफुल हेल्प करता है वेस्टफुल और नॉन एसेंशियल कॉस्ट को एलिमिनेट करने में ये प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड हो सकती है ये टेक्निक से रिलेटेड हो सकती है ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशन से सेलिंग से भी ये रिलेटेड हो सकती है और पर्पज़ क्या होता है कि क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कोई भी अफेक्ट ना हो क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और बिना क्वालिटी में चेंज किए हुए जो भी वेस्टफुल नॉन एसेंशियल कॉस्ट है डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड चाहे वो प्रोडक्ट डिजाइन है चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक है चाहे वो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग कॉस्ट है एनीथिंग एल्स उनमें अगर आप कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो बिना क्वालिटी को अफेक्ट किए हुए तो हम इसको कॉस्ट रिडक्शन का नाम देते हैं ओके okay? इसका पर्पज क्या होता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना इसके साथ साथ कॉस्ट कंट्रोल डायरेक्शन में कॉस्ट रिडक्शन एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिना कॉस्ट रिडक्शन के आप कॉस्ट कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर सकते हो और इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट को प्रॉपरली इंप्रूव करने की डायरेक्शन में एक प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करती रहती है दैट इज क्लियर तो ये तो बात हो गई कॉस्ट रिडक्शन की अब हम बात करते हैं कि कॉस्ट रिडक्शन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं द फर्स्ट वन इज दैट इट शुड कवर द वेरियस सेंटर्स वेयर कॉस्ट आर कि अगर किसी भी एंटरप्राइज को या ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कॉस्ट में परमानेंट रिडक्शन करना है तो इसके लिए उसे वेरियस सेंटर्स को कवर करना चाहिए जहां कॉस्ट को इंकर किया जाता है और जहां कॉस्ट को कम करने के चांसेस रहते हैं उन पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर्स को ऑर्गेनाइजेशन को फोकस करना चाहिए यह इसका पहला एस्पेक्ट है सेकेंड एस्पेक्ट इज सीक दसिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स फ्राम आउटसाइड टू प्लान द प्रोग्राम जरूरी नहीं है कि आपके पास इनसाइड लेवल से एक्सपर्ट्स ही इसके लिए ओपिनियन प्रोवाइड करें अगर आप चाहो तो आउटसाइड जो एक्सपर्ट्स अवेलेबल रहते हैं इसके रिगार्डिंग उन आउटसाइड एक्सपर्ट से भी आप असिस्टेंस ले सकते हो उनसे भी हेल्प ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपने कॉस्ट रिडक्शन के प्रोग्राम को प्लान कर सकते हो क्लियर इसके साथ साथ थर्ड एस्पेक्ट में इसको अपने टारगेट्स और प्योरिटीज को सेट करना होगा पहले जब तक टारगेट्स और प्योरटीज सेट नहीं होंगे उसके अराउंड आप कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर सकते तो जो आपके टारगेट्स हैं जो प्योरिटीज़ हैं वो पहले आपकी सेट होनी चाहिए उसके अराउंड आप अपने कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम को डेवलप करोगे नेक्स्ट वन इज द डिजाइन और मैथड मैथड ऑफ प्रोडक्शन इन दोनों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि जितना आप डिज़ाइन को ऑप्टिमम वे में फॉलो करोगे और मेथड ऑफ प्रोडक्शन को ऑप्टिमम वे में फॉलो करोगे उतना ही आप कॉस्ट को रिड्यूस करने में कैपेबल होगे क्योंकि ये दो एरियाज हैं जहां कॉस्ट को मैक्सिमम लेवल तक रिड्यूस किया जा सकता है द द नेक्स्ट वन इज शुड रिव्यू प्रोग्रेस मेड टूवर्ड्स कॉस्ट रिडक्शन फ्रॉम टाइम टू टाइम ऐसा नहीं कि आपने एक बार अपने कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम को स्टार्ट किया वंस इन अ टाइम आपने उसको फॉलो किया और उसके बाद उसको आप भूल गए नो ये आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है और इसको टाइम टू टाइम आपको रिव्यू करना होता है कि कॉस्ट रिडक्शन के प्रोग्राम में कितना इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन हो रहा है इसको आपको टाइम टू टाइम इवेलुएट करना होता है टाइम टू टाइम रिव्यू करना जरूरी है तब जाकर आप कॉस्ट को परमानेंट लेवल तक रिड्यूस करने में कैपेबल हो पाते हो ओके एंड द लास्ट पॉइंट इज इट्स शुड मोटिवेट एम्प्लॉयज टू अचीव द टारगेट इसके साथ साथ आपके जो एम्प्लॉयज हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है जब तक उनका प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं होगा तब तक आप अपनी कॉस्ट को प्रॉपरली रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि डिफरेंट जो सेंटर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ के हैंड में रहती है अगर एम्प्लॉयज अपने हैंड से कॉस्ट को रिड्यूस करने के प्रोग्राम में अपने आप को इंक्लूड कर लेंगे देन देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ये तो बात हो गई डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कॉस्ट रिडक्शन की अब हम बात करेंगे अबाउट द कॉस्ट रिडक्शन एंड एरियाज ऑफ एप्लीकेशन यानी कि कॉस्ट रिडक्शन के लिए हम किन किन एरियाज को सेलेक्ट कर सकते हैं और कहां कहां हम मैक्सिमम लेवल तक कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं तो इसके लिए कुछ पर्टिकुलर एरियाज मैंने डिस्कस किए हैं और खास तौर से हमें उन पर्टिकुलर एरियाज में कॉन्सनट्रेट करना चाहिए जहां मैक्सिमम लेवल तक कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि यह आइडिया होता है मैनेजमेंट को कि ऐसे कौन कौन से कॉस्ट सेंटर्स हैं जहां मैक्सिमम लेवल तक आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो या सेविंग को एनकरेज कर सकते हो उन पर्टिकुलर एरियाज में सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जहां हम कॉस्ट को प्रॉपर्ली रिड्यूस कर सकते हैं जिसमें पहला आपका एरिया आता है दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट डिजाइन जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करती है या न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करती है तो उससे पहले उसकी एक प्रॉपर डिजाइनिंग फोकस की जाती है प्रोडक्ट डिजाइन में हम किस तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया जाता है और उसके बेसिस पर प्रॉपरली प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है जब हम प्रोडक्ट डिजाइन की बात करते हैं तो प्रोडक्ट डिजाइन को इन्फ्लुएंस करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स है या हम यह कह सकते हैं कि प्रोडक्ट डिजाइन बहुत सारे फंक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है इसका एक प्रॉपर इन्फ्लुएंस पड़ता है बहुत सारे फंक्शंस पर जैसे क्या क्या फंक्शंस है वो है ना कॉस्ट ऑफ मटेरियल है लेबर कॉस्ट है ओवरहेड कॉस्ट है और भी बहुत सारे अदर फंक्शंस है जहां प्रोडक्ट डिजाइन का एक प्रॉपर इन्फ्लुएंस पड़ता है यानी कि अगर प्रोडक्ट डिजाइन में कोई सा भी आप चेंज करो और उसकी वजह से इन पर्टिकुलर कॉस्ट में अप एंड डाउंस पॉसिबल है तो यहां पर आप प्रोडक्ट डिजाइन को बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हो द मैनेजर कैन शॉर्ट द मैनेजर कैन स्टार्ट कॉस्ट रिडक्शन फ्रॉम द डिजाइन स्टेज यानी कि अगर आप कॉस्ट रिडक्शन को फॉलो करना चाहते हो तो उसके लिए प्रोडक्ट डिजाइन से बेहतर स्टार्टिंग कोई नहीं हो सकती यहां से आप प्रॉपर स्टार्टिंग करते हुए कॉस्ट को रिड्यूस करने के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट कर सकते हो इसके लिए आप डिफरेंट टाइप की रिसर्च को फॉलो करते हो और इसके लिए आप डिफरेंट टाइप के वेरियस डिजाइंस को भी डेवलप करते हो डिजाइंस जो डेवलप किए हैं आपने आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए और उन डिजाइन में से आपको क्या करना है उनकी कॉस्ट एनालिसिस करनी है और जो डिजाइन आपको कॉस्ट एनालिसिस के बेसिस पर मैक्सिमम कॉस्ट एडवांटेज प्रोवाइड कर रहा हो उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर्टिकुलर डिजाइन को सिलेक्ट करके इंप्लीमेंट कर देना है अगर मैं कॉस्ट रिडक्शन की स्टडी की बात करूं तो इसमें हम कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं यानी कि अगर आप प्रोडक्ट डिजाइन को इस तरह सेलेक्ट करते हो जिससे कि आप कॉस्ट को प्रॉपर वे में रिड्यूस करने में कैपेबल हो तो उसके पीछे कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जिनकी कॉस्ट में रिडक्शन पॉसिबल हो सकता है जैसे अगर प्रोडक्ट डिजाइन की कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो उसके लिए सबसे पहला फैक्टर क्या आएगा रॉ मटेरियल आपको ये देखना है कि जो पर्टिकुलर डिजाइन आप लेकर चल रहे हो उसके अकॉर्डिंग कीपर सब्सिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है स्टोरेज के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज क्या होनी चाहिए उसके लिए लोडिंग एंड अनलोडिंग प्रॉब्लम क्या होंगे इन्वेंट्री कंट्रोल प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व करोगे अगर इसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिजाइन को फोकस कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो पॉइंट इसके लिए इसके साथ साथ द नेक्स्ट वन इज द लेबर आपको जब प्रोडक्ट डिजाइन को फोकस कर रहे हो अगर आपने प्रोडक्ट डिजाइन एज ए फोकस किया है जो प्रॉपर्ली कॉस्ट को रिड्यूज करने में कैपेबल है तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या होगा लेबर पर क्या होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट डिजाइन के हेल्प से आप अपने लेबर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हो पर मैन आवर के बेसिस पर और जो टाइम ऑफ ऑपरेशन है उसको भी आप रिड्यूस करने में कैपेबल हो सकते हो दैट इज द एडवांटेज ऐसे ही आप टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की बात करते हैं इससे क्या होगा जब आप प्रोडक्ट डिजाइन को बेटर वे में सेलेक्ट करते हो तो उसके हेल्प से आप आप जिस पर्टिकुलर टूल्स का फिक्चर्स का जिक्स का या अदर इक्विपमेंट्स का यूज कर रहे हो उस प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डेवलप करने में उनकी कॉस्ट को भी आप रिड्यूस कर सकते हो क्योंकि डिजाइन के अकॉर्डिंग आपको टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है जिक्स फिक्चर्स या अदर इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपका प्रोडक्ट डिजाइन ऑप्टिमम है तो उसके अकॉर्डिंग इन पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स की कॉस्ट को भी प्रॉपरली रिड्यूस किया जा सकता है ओके नाउ द सेकंड एरिया इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स कैन बी एनाइज इन अ वैरायटी ऑफ वेज डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स एंड डिजायर ऑफ द मैनेजमेंट यह मैनेजमेंट की नीड और डिजायर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहती है यहां जो कॉस्ट रिडक्शन है वो डिफरेंट एरियाज में पॉसिबल है जैसे इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइन्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स ऑफ सेल साइज यानी कि इनके रिगार्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का वो इस तरीके से पॉलिसीज को फॉलो करेगा जिससे कि कॉस्ट को प्रॉपर वे में रिड्यूस किया जा सके पॉइंट क्या है पॉइंट है कि इन पर्टिकुलर एरियाज में मैनेजमेंट किस तरीके से पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट को प्रॉपर रिड्यूस किया जा सकता है तो क्रॉस्ट रिडक्शन के लिए इन पर्टिकुलर एरियाज में हम फोकस कर सकते हैं जैसे प्रोडक्ट प्रोडक्ट लाइंस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टर्म्स ऑफ सेल्स क्या है ऑर्डर साइज क्या है इनको फोकस करते हुए हम कॉस्ट को प्रॉपरली रिड्यूस करने की पोजिशन में आ सकते हैं ठीक है द नेक्स्ट वन इज दैट इज द एडमिनिस्ट्रेशन अ मैनेजर शुड मेक एफर्ट्स फॉर कटिंग डाउन एक्सपेंडिचर इंसिडेंशियल टू रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इकोनोमाइजिंग स्टेशनरी कॉस्ट रिड्यूसिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ओवर टाइम इनके रिगार्डिंग भी एक मैनेजर को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करना चाहिए यानी कि वो स्टाफ के रिक्रूटमेंट के रिलेशन में जो भी एक्सपेंडिचर्स है उनको कट करें स्टेशनरी कॉस्ट को मिनिमाइज करे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज को रिड्यूस करें ओवर टाइम को मैनेज करे और इस तरह से मैनेज करें जिससे कि कॉस्ट को रिड्यूस किया जा सके ओके एंड द फोर्थ एरिया इज दैट इज फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोडक्शन मैथड्स कॉस्ट रिडक्शन बेनिफिट्स कैन नॉट बी सिक्योर्ड विदाउट अ गुड प्लांट लेआउट एंड फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी बात आती है अगर आपको कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो आपको अपने प्लांट का लेआउट और फैक्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से फॉलो करना है जिससे कि आप कॉस्ट रिडक्शन के बेनिफिट को अर्न कर सको अगर आपने ऑप्टिमम वे में प्लांट लेआउट को डिजाइन कर रखा है तो आप हंड्रेड परसेंट कॉस्ट को रिड्यूस करने में कामयाब होंगे आप अपने प्लांट को मॉडर्नाइज वे में रन करिए जो भी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है उनको मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ में परचेस करिए यानी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी वाले इक्विपमेंट्स को फोकस करिए तो इन सबसे क्या फायदा होगा आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी जितना ज्यादा आपका ऑटोमेटिक प्लांट में ऑटोमेशन होगा उतनी ही आपकी कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से रिड्यूस होती चली जाएगी तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने प्लांट को किस लेवल तक डिजाइन करते हो उसके लेआउट को किस तरह से डिजाइन करते हो मैनेजमेंट किस तरह से फॉलो करते हो फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन के रिलेशन में उसके बेसिस पर आप कॉस्ट को प्रॉपरली रिड्यूस करने की पोजिशन में आ सकते हो तो ये एरियाज है जो मैंने डिस्कस किए हैं जिनके बेसिस पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉस्ट को रिड्यूस करने की पोजिशन में आ सकती है ओके थैंक यू